सेक्शन 30 पे आ जाते हैं अपन। हाँ हाँ, सेक्शन 30 पे आ जाते हैं। मूल्यवान प्रतिभूति, वैल्यूएबल सिक्योरिटी, वैल्यूएबल सिक्योरिटी है मूल्यवान प्रतिभूति, माने जो मूल्यवान है उसको हम प्रतिभूति के रूप में दे रहे हैं, तो उसको कैसे देखेंगे अपन? मूल्यवान प्रतिभूति शब्द उस दस्तावेज का द्योतक है जो ऐसा दस्तावेज है या होना तात्पर्यत है जिसके द्वारा कोई विधिक अधिकार सृजित, विस्तृत, अंतरित, निर्बंधित, निर्वापित किया जाए, छोड़ा जाए, या जिसके द्वारा कोई व्यक्ति या अविस्वीकार करता है कि वह विधिक दायित्व के अधीन है या अमुक विधिक अधिकार नहीं रखता है। द वर्ड वैल्यूएबल सिक्योरिटी डिनोट्स अ डॉक्यूमेंट विच और परपोर्ट्स टू बी अ डॉक्यूमेंट वेयर बाई एनी लीगल राइट इज क्रिएटेड, एक्सटेंडेड, ट्रांसफर्ड, रिस्ट्रिक्टेड, एक्सटिंग्विश्ड और रिलीज्ड, और वेयर बाई एनी पर्सन एक्नोलेजेज दैट ही लाइज अंडर लीगल लायबिलिटी और हैज नॉट असर्टेन लीगल राइट। मतलब वो ये कहना चाह रहे हैं, मूल्यवान प्रतिभूति क्या है? ऐसा दस्तावेज का द्योतक है जो या होना तात्पर्य कर रखता है कि उसके द्वारा क्या कोई विधिक अधिकार उत्पन्न हो रहा है, कोई लीगल राइट हमको मिल रहा है, मतलब एक लीगल राइट मिल रहा है या ट्रांसफर हो रहा है या रोका जा रहा है या नया बन रहा है या छोड़ा जा रहा है, और व्यक्ति ने उसको स्वीकार किया है कि वो विधिक दायित्व तो उस चीज का रखता है या अमुक विधिक अधिकार नहीं रखता है। जैसे कि मैं एक एग्जाम्पल दूं उसको समझने के लिए कि का एक विनिमय पत्र की पीठ पर आप अपना नाम लिख देता है, और ए राइट सो हैज अ नेम ऑन द बैक ऑफ अ बिल ऑफ एक्सचेंज, कोई बिल ऑफ एक्सचेंज है और उसका लिखने से क्या हो रहा है? इस पृष्ठांगन प्रभाव किसी व्यक्ति को जो उसका विधिपूर्ण धारक हो जाए, मतलब जो जिसके पास वो है वो उसका विधिपूर्ण धारक हो गया क्योंकि उसने उसके पृष्ठांगन में क्या लिख दिया? अपना नाम लिख दिया है, और उस विनिमय पत्र पर का अधिकार अंतरित किया जाना है, इसलिए यह पृष्ठांकन मूल्यवान प्रतिभूति है। पता पड़ा उसका नाम लिख दिया, मान लो उस पर नाम नहीं था, वो खाली पड़ा था, कोई चेक खाली पड़ा है और उसमें साइन हो रहे हैं, उस साइन पे हम अपना नाम लिख के जाके उसको भुना लेते हैं, मतलब वो मूल्यवान प्रतिभूति हमने अपने नाम से कर ली या हमने किसी का नाम लिख के उसको चेक को उसको दिया है, तो वो बंदा जाके भुनाएगा नहीं, भाई 1 लाख का चेक है, 10 लाख का चेक है, उसमें जाके हमने उसको दे दिया, तो हमने उसको विधिक अधिकार दिया है कि वो उसके हो गए और उसके पास मतलब लीगल राइट है कि वो उसका है क्योंकि उसका नाम वहां पे अंकित है। इसमें क्या आवश्यक है? जो मूल्यवान प्रतिभूति है, वैल्यूएबल सिक्योरिटी के आवश्यक तत्व क्या क्या हैं? वो देख लेते हैं अपन। पहला है मूल्यवान प्रतिभूति एक दस्तावेज है, ओके ठीक है, यह एक दस्तावेज है, इसके द्वारा कोई विधिक अधिकार लीगल राइट जो है सृजित हो रहा है, विस्तृत हो रहा है, अंतरित हो रहा है, निर्बंधित हो रहा है या निर्वापित हो रहा है, यह एक दस्तावेज के द्वारा कोई व्यक्ति यह अविस्वीकार करता है कि यह विधिक दस्तावेज के अधीन है या अमुक विधिक अधिकार नहीं रखता है। कुछ चीजें हैं जैसे मूल्यवान प्रतिभूति के रूप में हम समझ सकते हैं, विदेश यात्रा का पासपोर्ट मान लीजिए, ठीक है, मान लो किसी का पासपोर्ट है तो वो पासपोर्ट उस व्यक्ति को अधिकार देता है कि वो कहीं जा सकता है। लॉटरी का टिकट है, वो जिस व्यक्ति ने खरीदा है लॉटरी का टिकट उसके नाम से उसने खरीदा है, तो लॉटरी का टिकट जो है वो उसका मूल्यवान प्रतिभूति है। एक भारत नोट, ये मान लो कोई किसी को नोट लिख के दे दिया है जो उसके लिए काम का है या उसके नाम से है, तो वो उसकी क्या हो गई? मूल्यवान प्रतिभूति हो गई है। स्टाम्प है, भूमि बंदोबस्त से संबंधित है, ये सब सारे के सारे क्या है? मूल्यवान प्रतिभूति के रूप में जाने जाते हैं। सेक्शन 31 पे जो बात करता है बिल की, अ बिल, दिवर्स अ बिल डेनोट्स एनी टेस्टामेंट्री डॉक्यूमेंट, बिल शब्द किसी भी वसीयती दस्तावेज का द्योतक है, और वसीयती दस्तावेज क्या होता है? जिसमें वसीयत की जाती है, और यह क्या है? एक विधिक घोषणा है। क्या है? कैसी घोषणा है? विधिक घोषणा है, लीगल डिक्लेरेशन है। भाई बिल क्या है? भाई मैंने बिल की कि मेरी मरने के बाद मेरी संपत्ति मेरी बीवी और मेरे बच्चों में बांटी जाए, और मैंने वहां पे उसको बिल लिख के छोड़ दी, या उसके बाद या आधी बच्चों बीवी में बांटी जाए और आधी किसी खैराती संस्था को दान कर दी जाए, तो वो बिल हो गई। बिल हो गई मतलब मैंने एक लीगल राइट दिया है, एक लीगल दस्तावेज लिख दिया है जो मेरी इच्छा के अनुसार एक्टिवेट होगा, इसलिए उसको कहा बिल। बिल का मतलब इच्छा भी होता है। एक बिल एक वसीयती दस्तावेज है या एक विधिक घोषणा है जिसके द्वारा घोषणा करने वाला व्यक्ति अपनी मृत्यु के पश्चात अपनी संपत्ति के बंटवारे या उसके प्रबंध के लिए व्यवस्था करता है। यह वसीयतकर्ता की मृत्यु के पश्चात प्रभावी होती है और यह वसीयतकर्ता द्वारा प्रतिसंहरणीय है। मतलब मान लो किसी ने बिल लिखी और मरने से पहले वो उसको चेंज करना चाहता है तो वो चेंज भी कर सकता है। क्यों? क्योंकि वो उसने लिखी है। वैसे ही बात है, जब मैंने लिखा है, मैंने कहा कि मैं ऐसा करना चाहता हूँ, बाद में पता पड़ा मैं ऐसा नहीं करना चाहता हूँ, मुझे नहीं देना किसी को, मुझे पता पड़ा कि मेरा बच्चा तो बिगड़ गया है या मेरी बीवी नहीं है, मतलब समझ आ रही है? ऐसा नहीं है कि मेरी बीवी नहीं, मतलब आप समझ सकते हैं कि कहीं ना कहीं चीटिंग हो रही है उनके साथ, उसको
आभास हो गया है इस चीज का, तो वो क्या करेगा, मतलब बिल चेंज करनी है, मुझे उनको फूटी कोड़ी नहीं देनी अपनी, तो वो बिल चेंज कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि लिखी भी तो उन नहीं है, बिल बनवाई भी तो उन नहीं है, क्योंकि इच्छा तो उनकी थी। 32, कार्यों का निर्देश करने वाले शब्दों के अंतर्गत अवैध लोप आता है। वर्ड्स रेफरिंग टू एक्ट्स इंक्लूड इलीगल ओमिशंस, कार्यों का निर्देश करने वाले शब्दों के अंतर्गत अवैध लोप आता है जब तक कि संदर्भ से तथ्य प्रतिकूल आशय प्रस्तुत ना हो। इस संहिता के हर भाग में किए गए कार्यों का निर्देश करने वाले शब्दों का विस्तार अवैध लोपों पर भी है। मतलब सीधी बात है, मान लो भले ही इन्हें बार बार डिफाइन नहीं किया, बार बार वर्णित नहीं किया है, फिर भी उसका मतलब इनके अंतर्गत समझा जाएगा कि जो कार्य किए जा रहे हैं उसके अंतर्गत लोप शब्दों का भी प्रयोग होगा। लोप शब्दों का भी प्रयोग होगा, मतलब कार्य करना है, एक्ट करना चाहिए, लोप जो नहीं करना था उसका लोप हुआ है, तो उसके अंतर्गत इसको समझा जाएगा। हमने कहा कि कार्यों का निर्देश करने वाले शब्दों के अंतर्गत अवैध लोप भी शामिल है, मतलब बार बार नहीं लिखेंगे। हमने कहा कार्य करना है, मतलब शामिल हो गया उसमें, अवैध लोप नहीं करना है, इट इज इंक्लूडेड इन दिस फ्रेज, मतलब इसमें ये चीज शामिल है। कार्यों मतलब एक्ट करना है, इसे मतलब है लोप नहीं करना है, अवैध लोप नहीं होगा, इट इज इंक्लूडेड। अच्छा, एक चीज वो लिखी इसमें ने कि जब तक कि संदर्भ से तथ्य प्रतिकूल आशय प्रस्तुत ना हो, ऐसा लिख के ये वाक्य को चीज को बहुत विस्तृत कर देते हैं। क्या कि इससे संदर्भ से तथ्य प्रतिकूल प्रस्तुत ना हो, मतलब मान लो इससे डिफर बात है, इससे कुछ अलग है, तो अलग बात होगी, फिर हम उसको अलग तरीके से लेंगे, लेकिन सामान्य है, यदि सामान्य बात है, सामान्य से कुछ चल रहा है, वहां पर उन्होंने कार्यों के निर्देश के बारे में बात की है, तो वहां पर उस एक्ट में ओमिशन शामिल होगा, मतलब ओमिशन नहीं करना है, अवैध लोप उसमें शामिल होगा। एक मामला था लतीफ खान 1895-28 बॉम्बे 394, इतना ही लिखा है उसमें। और उस मामले में क्या हुआ था, अभियुक्त ने एसी बिजली के जिंदा तार लाइव एसी वायर को असुरक्षित दशा में खुला बिना ढके हुए या नंगा छोड़ दिया था, रिमेन अनप्रोटेक्टेड इन अ नेकेड कंडीशन। उसको कैसा छोड़ दिया था, नेकेड कंडीशन में अनप्रोटेक्टेड छोड़ दिया था, किसको, बिजली के एसी तार को। अभियुक्त के इस उपेक्षापूर्ण कार्य निग्लिजेंट कंडक्ट के कारण एक 13 वर्षीय लड़के की मृत्यु हो गई। अभी निर्धारित हुआ कि अभियुक्त धारा 304A भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत दो सिद्धि का पात्र था। 304A और सेक्शन 304A में क्या है, उपेक्षापूर्ण व्यवहार। 304A में क्या है, 304A में है उपेक्षा द्वारा मृत्यु कारित करना। सेक्शन 304A ऑफ IPC कहता है उपेक्षा द्वारा मृत्यु कारित करना, जो कोई उतावलेपन के या उपेक्षापूर्ण किसी ऐसे कार्य से किसी व्यक्ति की मृत्यु कारित करेगा जो आपराधिक मानववध की कोटि में नहीं आती, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 2 वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से या दोनों से दंडित किया जाएगा। अब यहाँ पे इस बात का उदाहरण क्यों दिया है, क्योंकि यहाँ पे उपेक्षापूर्ण काम करके उसने काम करने का लोप किया है। उसने लोप क्या किया है कि तारों को नंगा छोड़ दिया है बिना ये सोचे कि इसका परिणाम क्या हो सकता है। तो कैसा काम किया उसने, निग्लिजेंसी का काम किया है, उपेक्षापूर्ण काम किया है। जब उपेक्षापूर्ण काम किया है तो उसको 2 वर्ष तक का कारावास और जुर्माना या दंडित किया जा सकता है। अब उनने एक और बात कही थी सेक्शन 304A में कि जो आपराधिक मानवत की कोटि में नहीं आता है, मान लो ये आपराधिक मानवत की कोटि में आ जाता, कल्पेबल होमिसाइड की कोटि में आ जाता, तो इस अपराध के लिए उसको आजीवन कारावास तक भी मिल सकता है। जानबूझ के उसने नंगा तार छोड़ा था ताकि वो व्यक्ति मर गया है जो, या कोई व्यक्ति मर गया है और वो उसको मारना चाहता था, आशय उसका मारने का था, और तब उसने नंगा तार छोड़ा था, तब यह अपराधिक मानवता की कोटि में आ जाता और कल्पेबल होमिसाइड के अंतर्गत आके उसको दंड की मात्रा आजीवन कारावास तक हो सकती थी। अभी आपको सोच रहे होंगे सर आपराधिक मानवता में क्यों आता, हत्या में क्यों नहीं आता, तो जब अपन आपराधिक मानवता और हत्या पढ़ेंगे तब मैं डिफरेंस बताऊंगा कि कल्पेबल होमिसाइड एंड मर्डर में क्या अंतर है ना, अभी अपन वहां नहीं जा रहे हैं।